Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome to Rizwana's cooking. और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेमनी खट्टे मीठे आलू रेड सॉस के साथ. बहुत मजे के लगते हैं, बहुत जबरदस्त है. आप इफ्तार में बनाएं, बहुत मजे के लगते हैं. आप चाट के साथ भी सर्व कर सकते हैं. तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो देख लेते हैं और फिर इसकी तैयारी शुरू करते हैं. मेमनी खट्टे मीठे आलू बनाने के लिए मैंने लिए 1 किलो आलू छोटे वाले, उनको पील करके बॉईल कर लिया है. 1/4 कप ब्राउन शुगर, आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं. 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल, 1/2 कप इमली का पानी है जो कि हमने 50 ग्राम इमली के पेस्ट से बनाया है. कलर रेड कलर हम यूज करेंगे थोड़ा सा. 1/2 चाय का चमच पिसी हुई सौंठ, 1 चाय का चमच नमक, 1 चाय का चमच चाट मसाला, 1 चाय का चमच भुना कुटा साबुत धनिया, 2 चाय के चमचे भुना कुटा जीरा, देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेड कलर देती है तो हम ये यूज कर रहे हैं. ये मैं यूज कर रही हूँ 1 खाने का चमच. 1 खाने का चमच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम जीरा साबुत जीरा यूज करेंगे. तो अब हम कुकिंग शुरू करते हैं. सबसे पहले इमली की लाल चटनी या रेड सॉस तैयार करेंगे. सॉस पैन में इमली का पेस्ट डालेंगे, ब्राउन शुगर डाल देंगे, देगी लाल मिर्च ये भी डाल देंगे. अब इन सब चीजों को पकाएंगे 1 से 2 मिनट, ब्राउन शुगर मेल्ट हो जाए और इमली का कच्चापन दूर हो जाए. अब इसमें 1 से 2 चुटकी रेड कलर पानी में मिक्स करके डाल दें. अब ये हमारी रेड सॉस या इमली की लाल चटनी तैयार हो गई है. इसको एक तरफ रख दें और अब आलू तैयार करेंगे. एक अलहदा पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसमें जीरा डालकर फ्राई करेंगे. जब जीरा अच्छी तरह फ्राई हो जाए इसमें उबले हुए आलू डालेंगे. ये बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं अगर आपकी सारी चीजें तैयार हो. फिर इसमें इमली की लाल चटनी भी डाल देंगे. अब इमली का पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे भुना और कुटा जीरा, भुना कुटा साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक, सौंठ. अब इसको मिक्स करेंगे. अगर ये ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें. मेमनी खट्टे मीठे आलू तैयार हो गए. इसको 1 से 2 मिनट पकाएं और इसके बाद ये तैयार है. तो ये हमारी बहुत ही मजेदार मेमनी खट्टे मीठे आलू तैयार हैं. इसको गरम गरम सर्व करें, बहुत मजे के लगते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और जरूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी फीडबैक देंगे. मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें ताकि मजे मजे की रेसिपीज आपको हर वीक देखने को मिले. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवानाज कुकिंग. बाय फॉर नाउ.